हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे किचन में आपका स्वागत है। बनाएंगे मक्के और पालक के पराठे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे मक्के का आटा एक बड़ी कटोरी, उससे छोटी कटोरी लेंगे गेहूं का आटा, उससे छोटी कटोरी लेंगे बेसन, कटा हुआ प्याज, कटी हुई पालक, नमक और लेंगे यहाँ पर मिर्ची के अचार का मसाला। आप कोई भी अचार का मसाला ले सकते हैं। लेंगे अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, अजवाइन, हींग, गरम मसाला पाउडर, अब यहाँ पर हम थाली लेंगे और थाली में मक्के का आटा डालेंगे। अब डालेंगे गेहूँ का आटा। आप गेहूँ के आटे की जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। और डालेंगे एक छोटी कटोरी बेसन, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, अब डालेंगे यहाँ पर जीरा, अजवाइन, हींग और गरम मसाला पाउडर। इन सभी मसालों को आटे में हम हाथ से मिला देंगे। और अब डालेंगे नमक और नमक डालकर हम फिर से आटे में मिला देंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पर मिर्ची के अचार का मसाला। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि आप किसी भी अचार का मसाला पराठा बनाने में यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और कटी हुई पालक। पालक को काट कर आप धो लें, धोकर उसका पानी निचोड़ कर निकाल लें और फिर हम हाथ से इन सभी मसालों को, आटे को और पालक को अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा आटा, पालक, मसाला सब मिल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट और फिर इसे भी हम आटे में अच्छे से मिला देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंदकर तैयार करेंगे। आटा हमें बहुत गीला नहीं गूंदना है। यहाँ पर आटा हमारा गूंदकर हो चुका है। इससे मैंने 3 लोइयाँ निकाल कर रख ली हैं। अब हम यहाँ पर लोई लेंगे और सूखे आटे में उसे लगाएंगे। और फिर हाथ से दबा देंगे और फिर हल्के हाथ से इसे हम बेलना शुरू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने प्याज को बारीक काट कर डाला है। यदि ऐसा लगता है आपको कि प्याज की वजह से पराठा हमारा फटता है थोड़ा सा, तो आप इसमें प्याज को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हल्के हाथ से हमारा पराठा बेलकर हो चुका है। अब हम इसे उठाकर प्लेट में रख लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरा पराठा बेलकर भी रख लेंगे। बाकी के पराठों को भी हमें इसी तरह बेलना है। अब यहाँ पर तवा गरम करके तवे में हम तेल डालेंगे और चम्मच से फैला देंगे। अब हम इसमें पराठे को डाल देंगे और पकने देंगे।
जब हमारा पराठा एक तरह से पक जाएगा हम उसे पलट लेंगे और उसमें दूसरी तरफ भी तेल लगा देंगे और फिर पराठे को घुमाते हुए दोनों तरफ से हम पकाएंगे। तो यहाँ पर पराठा हमारा पककर हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी बचे हुए पराठे को भी हम इसी तरह सेक लेंगे। फिर से हम तवे पे तेल डालेंगे और अब पराठे को डाल देंगे। पराठे को हम हल्का सा उठाकर पहले देख लेंगे, यदि हमारा पराठा नहीं पका है तो हम उसे पकने देंगे। और अब हमारा पराठा यहाँ पर एक तरफ से हल्का पक चुका है तो हम इसे पलट लेंगे और इसके ऊपर तेल लगा देंगे। और फिर पराठे को बीच बीच घुमाते रहें जिससे हमारा पराठा चारों तरफ पक जाए। और अब हम पराठे को पलट देंगे। पराठे को पकाते समय 3-4 बार उलट उलट कर पका लें। अब हम पराठे पर दूसरी तरफ भी तेल लगा देंगे। और फिर से इसे पलट लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के पराठे को भी सेक लेंगे। ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं खाने में। तो यहाँ पर बनकर तैयार है हमारे पालक और मक्के के पराठे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।